अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदीक भाई के बिल्कुल सामने। एक और बकरियाँ वाले भाई हैं, इनका नाम बाली शाह है। और सदीक भाई इस बार माल नहीं लाए क्योंकि पिछले बुध उनके पास बहुत ज़्यादा माल था, तो उनका आधा सेल आउट हो गया लेकिन आधा पड़ा है। तो इसीलिए नेक्स्ट बुध जो है उनका नया माल आएगा। तो उनके सामने मैं मौजूद हूँ बाली शाह भाई के पास, और इनके पास भी काफ़ी अच्छी बकरियाँ और बकरे हैं। ये वाला बकरा देखें जी, माशाल्लाह ये गुलाबी क्रॉस में लग रहा है, जो सिंध में बेसिकली नस्ल बहुत पसंद की जाती है, तो ये उसकी क्रॉस ब्रीड है और माशाल्लाह काफ़ी भरा बकरा है। अगर इधर आया तो मैं दिखाता हूँ, ये देखें उसके अलावा बकरियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं, तो मेरी कोशिश होगी आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूँ। ये वाली काली वाली देखें, माशाल्लाह खूबसूरत है लेकिन पीछे वाली ज़्यादा अच्छी है। ये वाली काली वाली से ये हाइट में भी ज़्यादा है और लेंथ भी इसकी ज़्यादा है, माशाल्लाह पट्ठे वगैरह भी हैं। ये देखिए कुर्बानी का मज़ा ही वो होता है अगर जानवर ना पाला जाए, बेशक आप उसको 10 दिन पहले ले आएँ, महीना पहले ले आएँ, अगर पूरा साल पालें तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो जानवर आपका सही घर का पला तैयार अच्छा होता है, तो उसमें फिर कुर्बानी में मज़ा भी ज़्यादा आता है। अगर एंड टाइम पे मंडी से लेने जाएं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। ठीक है वो मज़ा आता है लेकिन ऐसा मज़ा नहीं आता। अब ये वाला देखें जी, माशाल्लाह बकरा खूबसूरत है। उसके अलावा ये नागरा बकरा भी इधर है, अभी मकई डाली हुई है कुतरी हुई, वही खा रहे हैं सिर्फ। यार किन्ने लगा पठूरा, ये भी देख ला मुंह ना वेखा। इसके अलावा जी बकरियां भी काफी अच्छी हैं, आपको बकरियां भी दिखाते हैं। ये मक्की चीनी देखें, और ये वाली बकरी भी अच्छी है। ये भी बकरा है जी, ये बकरी देखें बड़ी वाली मक्की चीनी है। सींग इसके बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, ना होने के बराबर। ये देखें माशाल्लाह चेक करें। उसके अलावा ये वाली बकरी भी बहुत खूबसूरत है, कलर प्रिंट देखें वाली भी पैंट कह रही यार माशाल्लाह। मुझे जो सबसे अच्छी बकरी लगी है वो ये वाली लगी है, अभी खाना खा रही है, गबन है ये, और ये चड्डा इसका। ये बकरी सबसे अच्छी है इधर, ये वाली। उसके बाद जो है वो ये मक्खी चीनी है, लेकिन सबसे अच्छी इधर नस्ल में मौजूद है वो ये वाली है। दो बच्चे से कहना एक लगा गया, एक पाठ एक लगा गया। इसका मांग रहे पैंट, इसका इसका 65,000 मांग रहे हैं। दो बच्चे थे, एक बच्चा कह रहे मर गए और एक ये। ये वाली बकरी भी अच्छी है, और ये देख ये फार्म के नंबर होते हैं, बेसिकली 8 नंबर में मिलेंगी आपको, कान कटे मिलेंगे, ये फार्मों की निशानियाँ होती हैं जिस फार्म से आती हैं। और माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा ये बकरी भी उठाते हैं, ये देखिए म
माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत बकरी है। अभी मैं नंबर भी लूँगा और चलाऊँगा, तो किस भाई को चाहिए हो वो रब्ता भी कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आप सभी को ये बता दूँ, जब भी आप किसी को कॉल करें ख़रीदो फरोख्त करें तो उसमें बेसिकली हमारा कोई अमल दखल नहीं होता, ये बकरियाँ जो बेचती हैं उनका और आपका सौदा होता है। और ये चेक करें जी मक्खी चीना, तो काफ़ी अच्छा माल है, इधर मिक्स माल है, यानी बकरे भी मिल जाएंगे आपको, बकरियाँ भी मिल जाएंगी और अच्छे मिल जाएंगे। क्योंकि बाहर भी इन्होंने लगाए हुए हैं थोड़े से, अभी ये वाले देखें, ये देखें बकरी वो लेनी चाहिए इसका चड्डा पीछे से बहुत खुला हो, उसका सही दूध शूद का पता लगता है, चड्डा तंग ना हो। सेकंडली मुझे सफ़ेद आँख में पसंद है, काफ़ी माल है। उसके बाद ये बच्चे थे माशाल्लाह काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं, ये बच्चा भी काफ़ी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, कीमतों का बताएंगे थोड़ा अंदाज़ा, कीमतों का बताएंगे किस तरह ये कितने पैसे मांग रहे हैं इसका? 85 85,000। और वो जो है लाल वाली अंदर बड़ी बकरी, 1,25,000। ठीक हो गया, तो नंबर देंगे अपना अगर किसी ने लेनी हो तो। क्या नंबर है? 0306-0906-09-09-40-40-547-547। और नाम क्या है? अरशाद। इरशाद जी, व्यारीपुरा। व्यारीपुरा, ठीक हो गया। और वो जो अंदर सफ़ेद बकरा है उसके कितने पैसे मांग रहे थे जी? वो बड़ा वाला, हाँ जी, 95,000 जी। तो ये गुलाबी क्रॉस में है ना जी, ये जो सिंध की नस्ल है गुलाबी, हाँ हाँ वही है ना, क्रॉस राजनपुरी, ठीक हो गया। इसका पेंट मांग रहे थे, इसी का एक बच्चा है ना, एक मर गया, ठीक हो गया। और इसका कितना मांग रहे हैं? इसका 45,000 एक बच्चा है। 45,000 एक बच्चा, ठीक हो गया। और ये दांतों में क्या है जी? दांतों में चौकी है, चलो चौकी है। बेसिकली बकरियां सारी अच्छी हैं लेकिन कलर की बात होती है। अब देखें इसका चड्डा और इसका, ये बकरियां अच्छी हैं, एक ये वाली मुझे पसंद आई है, एक ये वाली आई है, तो इस टाइप की बड़ी बड़ी बकरियां हैं। तो आप सभी दोस्तों ने काइंडली बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपके पास आया करेंगे हम। तो इधर से आपको जी पट्ठे भी मिल जाएंगे, बकरियाँ भी मिल जाएंगी। तो अगर कोई लोग भाई आना चाहे तो लोकेशन ये है कि सदीक भाई की मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ शाहपुर कांजा मंडी में, शाहपुर कांजा मंडी के अंदर आप आएंगे तो ये बाड़ा नंबर, ये आपके बाड़े का नंबर क्या है भाई? 276। 276 बाड़ी शाह, ठीक है, 276 बाड़े का नंबर है, नंबर मैंने भाई से पहले ही ले लिया है, तो कोई आना चाहे तो रब्ता कर सकता है। ये बकरा देखा जी माशाल्लाह, ये देखें अब इसकी झालर देखें आप, मैं बाहर निकालता हूँ इसे, ये देखें माशाल्लाह। अब ये बकरा मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखें, ये देखें झालर, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि लेनी चाहिए लोगों को। सौदा हो रहा है दो बकरों का, लेकिन रेट सुन के साथ चले गए। तो दोस्तों आप सभी ने काइंडली हमारे चैनल को बकरा मंडी यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिलती रहें, हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपके पास आएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बाज़ लोग कीमतें सुन के कहते हैं भाई इनके पास मत जाया करो उनके पास, लेकिन भाई बात यह है कि
قیمتیں. اب ہمارا کام ہے ویڈیو بنانا, جانور دکھانا. اب ہمارے بس میں نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز کا 70,000 مانگے, 30,000 مانگے یا 2,00,000 مانگے. ٹھیک ہے, کائنڈلی اس بات کو آپ بھی سمجھا کریں. تو ویڈیو لائک کریں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.